नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में। इस प्रोग्राम में हम आपको रूबरू करवाएंगे उन खबरों से जो इंडस्ट्री में मचा रही है हलचल, स्टारों के बीच और दर्शकों के बीच भी। तो ऐसे ही कुछ चुनिंदा खबरें हम आपके लिए ले आए हैं, जिनमें पहली खबर जुड़ी हुई है चना जोर गरम फिल्म से। चना जोर गरम फिल्म बीते महीने पहले रिलीज हुई सिनेमाघरों में और अब मुंबई के सिनेमाघरों में बीते दिन पहले रिलीज हुई है। बिहार झारखंड में तहलका मचाने के बाद अब मुंबई में भी इस फिल्म को सुपर हिट रिस्पॉन्स मिल रहा है दर्शकों की तरफ से, और यही रिस्पॉन्स को देखते हुए खुश हुए इस फिल्म के स्टार कास्ट पहुंचे मुंबई के एक सिनेमाघर में, जहां लोगों ने देखते ही लगा ली इस कदर से भीड़ जैसे किसी शहर पे पूरी मक्खियां आ जाती हो उन्हें घेरने के लिए, मतलब चारों तरफ से घिरे हुए थे। और दर्शकों को इतना प्यार पाकर फिल्म के स्टार कास्ट काफी खुश हुई है। क्या कुछ कहा है ये हम आपको आगे रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है पवन सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म मां तुझे सलाम से। मां तुझे सलाम की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है, जो जल्द ही देखने को मिलेगी। इस फिल्म में पवन के साथ मधु शर्मा और अक्षरा सिंह आपको नजर आएंगी। तीनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे, तीनों की दोस्त की केमिस्ट्री इसमें दिखेगी। मां तुझे सलाम आपने पहले बॉलीवुड में देखा है, लेकिन अब भोजपुरी तड़के के साथ जब आप देखेंगे तो आप देशभक्ति के, मतलब देशभक्ति का खून आपकी नगों में दौड़ने लगेगा। खैर बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर। जो गायक से नायक बने हैं, प्रमोद प्रेमी से जुड़ी हुई है। प्रमोद प्रेमी की गायकी जो है लोगों को अभी तक बिहार में तहलका मचाती हुई आई है, लेकिन अब इनको फिल्में भी लगातार मिलने लगी हैं। प्रमोद प्रेमी आते ही बड़े बड़े हीरोइनों के साथ, हीरोज के साथ काम करने लगे हैं, और हाल ही में इनकी एक फिल्म देखने को मिली जिसकी शूटिंग कर रहे हैं मुंबई में, और मवाली बनकर मुंबई में घूमते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इनकी फिल्म का नाम है मुन्ना मवाली, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। अंजना सिंह के साथ शायद इस फिल्म में नजर आएंगे, और क्या कुछ इस फिल्म के बारे में जानकारी है वो हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो जुड़ी है 27 अप्रैल से। 27 अप्रैल है बेहद खास दिन सिने प्रेमियों के लिए, और मेहंदी लगा के रखना प्रेमियों के लिए, क्योंकि इसका पहला पार्ट लोगों के दिलों में वैसी जगह बना चुका है, लोगों के कहने पर ही इसका दूसरा पार्ट बनाया गया है। और सिनेमा घर में 27 अप्रैल को मेहंदी लगा के रखना 2 आ रही है। चिंटू अपनी नई हीरोइन के साथ, ऋचा के साथ दस्तक देंगे बॉक्स ऑफिस पर। तो देखना दिलचस्प होने वाला है कि दर्शकों को ये फिल्म कितनी अपनी तरफ खींचती है। बढ़ते हैं और भी आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो इसी फिल्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, मेहंदी लगा के रखना 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में आ गया है। जाहिर सी बात है ट्रेंडिंग में आया है, क्योंकि लोगों ने इसे बहुत प्यार आशीर्वाद दिया है। तो प्यार आशीर्वाद को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस फिल्म को लोग सिनेमाघरों में भी देखने जरूर जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं गया है, कहानी अभी बाकी है। ट्रेलर ही लोगों को इतना पसंद आ रहा है तो जाहिर सी बात है फिल्म भी पसंद आएगी। तो अब तक जो भी खबरें हमने आपको बताई हैं वो विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। ऐसे निर्मय हो चना जोर गरम पिक्चर चला पिक्चर
एक मिनट, हाँ आइए सर, आइए चल ऊपर, चल ऊपर चल, अब वो रुकेंगे नहीं। एक मिनट आइए, आ जाइए आ जाइए, आइए सर। हेलो ऊपर जाने, भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के इस साल की सबसे ज्यादा चर्चा में रही फिल्म माँ तुझे सलाम की शूटिंग काफी समय से गुजरात में चल रही थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। जी हाँ, मधु शर्मा पवन सिंह अक्षरा सिंह के जोड़ी से बनी इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही इस फिल्म को अगस्त में रिलीज करने की खबर सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश भर में रिलीज कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी दर्शक अपने उस फिल्म को देखने के लिए इतने बेताब हैं कि पवन की ये फिल्म देखने के लिए वो कुछ महीनों का इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो हो सकता है कि समय पर अपने फैंस को बेताबी देखते हुए पवन सिंह अपनी इस फिल्म को जल्द ही रिलीज कर दे। वेल, क्योंकि शूटिंग पूरी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि फिल्म कभी भी रिलीज हो सकती है। सीने प्राइम वर्ल्ड के एसोसिएशन और द सिनेमा प्रस्तुत भोजपुरी फिल्म मुन्ना मवाली की शूटिंग आज से मुंबई में शुरू हो चुकी है। इस फिल्म को लेकर फिल्म के अभिनेता सह गायक प्रमोद प्रेमी का कहना है कि मुन्ना मवाली बेहद ही एंटरटेनिंग फिल्म है और ये मेरे दिल के करीब है। इसमें मेरा किरदार मुन्ना का है, जो काफ़ी चैलेंजिंग और एंटरटेनिंग है। मुन्ना के अपने किरदार को लेकर मैं कह सकता हूँ कि ये युवाओं की काफ़ी पसंद आएगी और प्रेरित भी करेगी। मुझे अपनी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म के गाने कमाल के हैं और इसमें एक्शन के अलावा लव सीक्वेंस भी देखने को मिलेंगे। फिल्म मुन्ना मवाली का मुहूर्त ही बॉलीवुड सिंगर शाहिद माल्या के आवाज़ में गाने के रिकॉर्डिंग में हुआ था। इससे समझा जा सकता है कि फिल्म में गाने को लेकर लेवल क्या होगा। प्रमोद प्रेमी ने कहा कि इस फिल्म में भोजपुरी की हॉटकेक अंजुना सिंह भी नजर आ रही हैं, जिनके साथ काम करने का अनुभव खास होगा। अंजुना सिंह इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अदाकारा हैं। वे सेट पर काफ़ी सहज रहती हैं, जिससे उनके को स्टार को काम करने में परेशानी नहीं होती। वो इंसान भी लाजवाब। इसकी कहानी बदलाव के पथ पर लगातार अग्रसर भोजपुरी सिनेमा के अनुरूप है, इसलिए उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी और वो इसे बार बार देखेंगे। बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर रवि सिन्हा और निर्माता ऋतुराज पांडे हैं और कहानी राजेश पांडे ने लिखी है। फिल्म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं, जबकि मुख्य कलाकार में प्रमोद प्रेमी, अंजुना सिंह और पूनम दुमे के अलावा मनोज टाइगर, नगेश मिश्रा, आयोज खान, जय नीलम, रोशन सिंह, छोटू, राजेश सिंह आदि मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साल 2017 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भोजपुरी फिल्म मेहंदी लगा के रखना का सीक्वल मेहंदी लगा के रखना का 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म 27 अप्रैल से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि इस बार फिल्म की कास्टिंग नए सिरे से की गई है, लेकिन कहानी एक बार फिर से भोजपुरिया संस्कार और समाज के ताने बाने से बुनी गई है, जो पहले पार्ट मेहंदी लगा के रखना की परंपरा को आगे बढ़ाएगी। इस बार भी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 को अनंजय रघुराज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर फिल्म में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। जहाँ फिल्म मेहंदी लगा के रखना में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और अवधेश मिश्रा नजर आए थे, तो वहीं इस बार फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 में प्रदीप पांडे, चिंटू, ऋचा दीक्षित, यश कुमार, मनोज टाइगर, रजनीश झांझी नजर आ रहे हैं, जबकि इस फिल्म को मंजुल ठाकुर निर्देशित कर रहे हैं। रवा सभी ये तो जानते हो बानी की फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 के ट्रेलर काल यानी 7 अप्रैल के रिलीज कर दिया गई और रिलीज होते ही ये फिल्म के ट्रेलर ट्रेंडिंग में आ गई। जी हाँ, फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 के ट्रेलर एक दिन में ही 20 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल गई बा, ये ट्रेलर बन गई बा हिट। बता दी कि फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 काफी दिन से चर्चा में रहे और दर्शक लोगों के ये फिल्म के ट्रेलर के काफी बेसब्री से इंतजार रहे। बता दी कि फिल्म के पहला पार्ट भी काफी हिट रहे। ये फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के जबरदस्त रोमांस देखे के मिलल रहे। अब मेहंदी लगा के रखना 2 मेरुआ सभे के प्रदीप पांडे यानी चिंटू, अंजना सिंह के जबरदस्त जोड़ी देखे के मिलत या जो उनकी लोगन के काफी पसंद आ रहा बा। अब दर्शकन लोग के ये फिल्म के इंतजार बा। अब देखल जाए कि दर्शक लोग के
ये पूरा फिल्म कैसन लगती है। नेक्स्ट नाइन तो ये थी आज की वो खबर जिससे हमने आपको रूबरू करवाया है जो इंडस्ट्री में और लोगों के बीच मचा रही थी हलचल। तो अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।